गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट होटल जेम पार्क ऊटी। और अगर आप ऊटी में स्टे करने के लिए एक अच्छा और एक बहुत ही अच्छा होटल ढूंढ रहे हो तो दिस इज इट। नो नीड टू लुक फॉर एनी अदर प्लेसेस। अभी आप सोच रहे होगे व्हाई, इसका रीज़न क्या है। सो ये बात आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग ऊटी के ऊपर होने वाला है। ये बिल्कुल हमारा सडन प्लान था, कोई भी ऐसे पैकिंग वगैरह अच्छे से नहीं किए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन था यहाँ के आने के लिए, सब कुछ प्लान करने के लिए। और फिर सडनली हमने बैग पैक किया और टिकट्स बुक किए, रूम बुक किया और यहाँ पर चले आए। तो ऊटी शहर के बारे में और भी बहुत कुछ बताना है। सब अभी रेडी होके बाहर घूमने जाने ही वाले हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्यों ना आपको रूम का टूर दे दूं। सो दिस इज वन ऑफ द लग्जरियस होटल इन ऊटी एंड द पार्किंग इज ओवर हियर एंड द मेन एंट्रेंस इज आल्सो। एंड हियर आपको एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। तो मेन शहर के ऊपर ही आपको ये वाला होटल मिल जाता है और जो मार्केट भी है वो वॉकेबल डिस्टेंस में अवेलेबल है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। This is the reception area. So this is the wall of fame. जितने भी साउथ इंडियन और जो अदर एक्टर एंड एक्ट्रेस है जिन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया है उनके पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। एज अनएक्सपेक्टेडली वी मेट द फेमस साउथ कॉमेडियन मिस्टर योगी बाबू एट द ब्रेकफास्ट टेबल। जब हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहे थे तभी वी मेट हिम। वो भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे आए हुए थे इसलिए हम लोगों ने उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलिए रूम के तरफ चलते हैं। हमारा जो रूम है वो है जेम सुइट, रूम नंबर 707। और दिस इज़ द एंट्रेंस। और एंट्रेंस के साइड में ही आपको एक छोटा सा वॉशरूम मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक जड़े प्लांट्स रखा हुआ है, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा लिविंग रूम दिया हुआ है। यू कैन सी इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है और उन्होंने यहाँ पे सम कुकीज़ एंड चॉकलेट्स भी दिए थे। और यहाँ पे टीवी कैबिनेट है, उसके नीचे आपको कई सारे बुक्स मिल जाएंगे जो कि आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगेन यहाँ पे लाइट प्लांट्स है जो कि इस रूम को बहुत ही अच्छी गुड वाइब्स दे रही है। और अगेन यहाँ इस तरह भी प्लांट्स रखे हुए हैं और कई सारे पेंटिंग्स भी हैं। और गाइस ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस रूम का, क्योंकि इसका जो एक वॉल है पूरे के पूरे वॉल विंडो से ढकी हुई है और आपको बहुत ही अच्छी व्यूज़ मिल जाएगी। और लाइट आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइट आ रही है और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आप देख लो ये वाला जो है एक छोटा सा किचन मिल जाता है, फ्रिज और जो कॉफ़ी बनाने का सामान आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा ये आपको मिल गया डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो पेंटिंग है ऊटी की टॉय ट्रेन की पेंटिंग यहाँ पे दी हुई है। एंड देयर आल्सो ए ब्यूटीफुल पिक्चर द टोडा ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। ओके, और यहाँ पे एक एक्सरसाइज के लिए मशीन दिया हुआ है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी ऊटी का व्यू आपको मिल जाता है, हिल व्यू। और अंदर आप बिल्कुल पता नहीं चल रहा लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो वी आर ऑन द 7th फ्लोर ऑफ दिस होटल। और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस रूम का। अगेन यहाँ पे आपको सम लाइव प्लांट्स मिल जाएंगे और अगेन सम पेंटिंग्स दिए हुए हैं और कैक्टस भी रखे हुए हैं, यू कैन सी हियर। रूम में तीनों फैन, एसी और रूम हीटर अवेलेबल है जो भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि रात को यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है इसके लिए। सो दिस इज़ आवर मेन बेडरूम और यू कैन सी यहाँ पे दोनों तरफ से कनेक्टिविटी है लिविंग रूम के लिए। और यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा बेड मिल जाता है और यहाँ से सेम व्यू आपको मिल जाएगा विंडो से। बहुत ही कोजी वाइब आ रही है यहाँ से। और यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब दिया हुआ है और यहाँ पे वॉशरूम दी हुई है बड़ी सी। तो
गाइस रूम तो बहुत ही अच्छा है, तो अभी चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए और मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। होटल का जो डाइनिंग एरिया है वो 5th फ्लोर पे है और हम लोग अभी 7th फ्लोर पे है, सो नीचे चलते हैं। सो हियर इज़ द होल डाइनिंग एरिया और यहाँ पे भी आपको सेम व्यू मिलेगी और साइड में आपको गार्डन मिल जाएगा। सो एक बार मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। आप बाहर बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। लेट्स हैव सम बोथ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट। साउथ इंडियन में आके मैं नॉर्थ इंडियन फूड टेस्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। एज यूजुअल हम गार्डन में घूम रहे हैं और आप लोगों को पता चला होगा कितनी तेज हवा है यहाँ पर और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही पीस एंड वेदर है क्योंकि धूप भी है और हवा भी चल रही है, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। ये वाला वेदर मुझे बहुत पसंद है। चारों तरफ आपको सिर्फ व्यूज देखने को मिलेंगे, मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसे सब व्यूज देखकर। सो वी विजिटेड ऊटी इन द मंथ ऑफ मार्च और बहुत ही अच्छा वेदर था वहाँ पर। सो दिस इज देयर स्विमिंग पूल एंड स्विमिंग पूल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हमें एक कैक्टस गार्डन मिल गया जो कि उनका खुद का कैक्टस गार्डन है और सी इज़ द गार्डनर, सी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस प्लेस और उन्होंने हमें खुद बुलाया अपना गार्डन दिखाने के लिए। और यहाँ पे इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस है जिनके नाम, एक भी नाम मुझे नहीं पता है। और जो इतने सारे छोटे छोटे क्यूट से कैक्टस देख कर मुझे तो ऐसा लगा कि मैं सारे ही अपने घर ले जाऊँ, लेकिन ऐसा फ्लाइट में ले जाना पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, ये देखिए इतने छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स थे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वसंता गार्डनर वसंता। सो सी इज रियली वेरी स्वीट और सी इज आस्किंग अस फॉर सम पिक्चर्स। हमें ना उनकी तमिल लैंग्वेज समझ में आ रही थी और ना ही उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही थी, फिर भी उन्होंने हमारे साथ इशारों इशारों में बहुत सारी बातें की और हमारे लिए पिक्चर्स भी क्लिक किए। बाय बाय। और अभी रात हो चुकी है और रात में यहाँ पे ऊटी में ट्रैवल करना और घूमने जाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ उसका अल्टरनेटिव भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक रिक्रिएशन क्लब है जहाँ पे कि बास्केटबॉल कोर्ट है और कई सारे इंडोर गेम्स भी है और आपको एक जिम भी मिल जाएगा अंदर। सो और बाहर आपको बॉनफायर भी मिल जाएगा। सो रात में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ द जिम। सो ओवरऑल होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सर्विस इज़ रियली वेरी गुड, पीपल आर ऑल्सो वेरी रेस्पेक्टफुल और रूम्स के जो भी प्राइजेस है वो 3 to 4 डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल है। जो स्टार्टिंग प्राइस है रूम्स का वो 6000 है और जो पीक सीजन होता है तब जो 6000 है उसका डबल भी हो सकता है प्राइस। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।